नमस्ते प्रणाम, आप लोग का वेलकम है मनमोही न्यूज में। तो गाइज फिर से भोजपुरी फिल्मों का खबर लेके आ गया हूँ। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए और कर दीजिए लाइक और कर दीजिए कमेंट। तो गाइज आपको बता दें कि आज बात करने वाले हैं भोजपुरी का दो फिल्मों का बारे में और दोनों फिल्मों का फर्स्ट लुक एक साथ ही रिलीज हुआ है रामनवमी का दिन। और बता दें आपको कि पहला फिल्म है शुभ घड़ी आयो तो दूसरा फिल्म है सरफरोज। तो देखा जा रहा है कि दोनों में काफ़ी कंपटीशन है और काफ़ी टक्कर है। तो गाइज बात करते हैं सबसे पहले शुभ घड़ी आयो का। तो आपको बता दें कि शुभ घड़ी आयो फिल्म का प्रोड्यूसर है आशुतोष सिंह और अभिषेक श्रीवास्तव जी। उसी तरह इसमें निर्देशक कर रहे हैं चंदन उपाध्याय जी और इस फिल्म को लिखे हैं आशुतोष सिंह। उसी तरह बात किया जाए तो संगीत से सजाए हैं ओम झा जी। और बता दें आपको कि इस फिल्म में गीत दिए हैं प्यारेलाल यादव जी और यादव राज और श्याम देहाती जी। और बात किया जाए इस फिल्म में स्टार कास्ट का तो आपका चाहिए सुपरस्टार अरविंद अकेला कल्लू जी हैं। और बता दें आपको कि भोजपुरी का सुपरस्टार हीरोइन अक्षरा सिंह है। और बता दें आपको कि इस फिल्म में गीत से गाए हैं आपका चाहिए सुपरस्टार अरविंद अकेला कल्लू जी। तो गाइज ये काफ़ी अच्छा फिल्म है, आप नाम से जान सकते हैं कि कितना अच्छा है शुभ घड़ी आयो। उसी तरह बात करते हैं सरफरोश फिल्म का तो आपको बता दें कि सरफरोश फिल्म का प्रोड्यूसर है सुभाष सिंह। उसी तरह इसमें डायरेक्टर है मंजुल ठाकुर जी और बता दें आपको कि लेखक है मंजुल ठाकुर अरविंद तिवारी जी। उसी तरह इस फिल्म में डायलॉग से सजाए हैं अरविंद तिवारी जी और आपको बता दें कि इस फिल्म में संगीत से सजाए हैं ओम झा जी। उसी तरह इस फिल्म में गीत दिए हैं प्यारेलाल यादव जी, अरविंद तिवारी जी, सुमित सिंह चंद्रवंशी जी और कुंदन प्रीत जी। उसी तरह आपको बात किया जाए इस फिल्म में स्टार कास्ट को तो आपको बता दें कि भोजपुरी इंडस्ट्री का सबसे ज़्यादा अभी व्यूवर्स में चल रहे हैं रितेश पांडे जी हैं। और बता दें आपको कि भोजपुरी इंडस्ट्री का सुपरस्टार हीरो प्यारेलाल यादव जी हैं। तो गाइज ये दोनों फिल्म काफ़ी अच्छा है और काफ़ी हिट होने का संभावना है और बता दें आपको कि बहुत ही काफ़ी टक्कर है। तो गाइज आप लोग बताइए कि दोनों में से कौन सबसे ज़्यादा हिट हो सकता है और कौन सबसे ज़्यादा बाजी मार सकता है। तो गाइज यही जानकारी आप लोग को देने आया थे और कैसा लगा, अच्छा लगा तो इस लाइक कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भोजपुरी फिल्मों का खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और मिलते हैं दूसरे न्यूज़ में। बाय बाय, नमस्ते, प्रणाम।